गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि उनकी अंजुली में बाघ के चोंच से छूटकर एक चूहिया गिर पड़ी। मुनि ने अपने प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया और अपने आश्रम ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह पालो। मुनि पत्नी उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। जब वह विवाह योग्य हो गई, तब उन्होंने मुनि से योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले करने के लिए कहा। मुनि ने तुरंत सूर्य देव को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या तुम्हें पति रूप में स्वीकार है? तो पुत्री ने मना करते हुए कहा, नहीं, इनके तेज के कारण मैं इनसे आंख नहीं मिला सकती। मुनि ने सूर्य देव से पूछा, आप अपने से अच्छा कोई वर सुझाएं। तो सूर्य देव ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पुत्री से पूछा कि क्या वह उसे पसंद है? तो कन्या ने उसे काला कहकर मना कर दिया। मुनि ने मेघ से पूछा, कृपया अपने से शक्तिशाली वर बताएं। मेघ ने कहा कि पवन उनसे अधिक ताकतवर है, यह तो बड़ा चंचल है। यह कहकर कन्या ने उसे भी मना कर दिया। मुनि ने पवन से उत्तम वर के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, पर्वत मुझसे अधिक अच्छा है। मुनि ने पर्वत को बुलाकर कन्या की राय जानी तो उसने कहा, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है। मुनि ने अब पर्वत से अधिक योग्य कौन है जब पूछा तो उसने उत्तर दिया, श्रीमान, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे खोद कर बिल बना लेता है। मुनि ने मूषक राज को बुलाया। उसे देखकर कन्या बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पिताजी, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज को सौंप दीजिए। मुनि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ विवाह कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा है वैसा ही रहता है। महिला रोपे नाम का एक शहर था। वहां बरगद के एक पेड़ पर लघुपत नक नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन वह भोजन की खोज में जा रहा था, तभी जाल लेकर एक शिकारी को पेड़ की ओर आता देखा। शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल फैलाकर अनाज के दाने बिखेर दिए। उसी समय चित्रग्रीव नाम का एक कबूतरों का राजा अपने कबूतर दल के साथ उड़ता हुआ वहां आया। बिखरे हुए अनाज के दानों को देखकर कबूतर अपना लोभ ना रोक सके और दाने चुगने नीचे उतर आए। पेड़ के पीछे छुपे हुए शिकारी ने जाल को खींच लिया और सभी कबूतर जाल में फंस गए। चित्रग्रीव बहुत ही चतुर था। उसने शेष कबूतरों से कहा, मित्रों, डरो मत, हम लोग एक साथ जाल लेकर उड़ जाएंगे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे जहां शिकारी ना आ पाए। तैयार हो जाओ, 1, 2, 3। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। शिकारी ने काफी दूर तक उनका पीछा किया, पर वे आंखों से ओझल हो गए। शिकारी के लौट जाने पर चित्रग्रीव ने कबूतरों से कहा, चलो हम सब महिला रूपे शहर चलें,
जहाँ मेरा मित्र हिरण्यक चूहा रहता है। इस जाल के बाहर निकलने में वह हमारी सहायता करेगा। वहां पहुंचकर चित्रग्रीव ने आवाज दी, मित्र हिरण्यक कृपया बाहर आओ, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव कठिनाई में हूं, हमारी सहायता करो। हिरण्यक अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, तुम राजा हो इसलिए मैं पहले तुम्हें बाहर निकालने में सहायता करूंगा, फिर शेष कबूतरों को। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को मना करते हुए कहा, कृपया पहले मेरे मित्रों के बंधन काटो, अपने लोगों का ख्याल रखना राजा का प्रथम कर्तव्य है। चित्रग्रीव का प्रेम देखकर हिरण्यक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं राजा का कर्म और कर्तव्य जानता हूँ, मैं सभी के बंधन काट दूंगा। हिरण्यक ने अपने साथी चूहों के साथ मिलकर अपने तीखे दांतों से पूरे जाल को काट डाला और सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक और उसके साथियों का धन्यवाद किया और अपने दल के साथ उड़ गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, आवश्यक पड़ने पर सहायता करने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम खड़क सिंह था। उसे जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरते थे। एक दिन की बात है, वह भर पेट भोजन करके एक पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर जहां सोया हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर एक चूहे का बिल भी था। शेर के खर्राटों से डरकर जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो पहले उसे देखकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर वह सोचने लगा, अभी तो यह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो कुछ मस्ती ही कर लूं। वैसे भी इसके खर्राटों ने मेरी नींद खराब कर दी है। चूहा यह सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। एक दो बार तो खड़क सिंह ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उसके नाक पर चढ़ गया। तभी खड़क सिंह की आंख खुल जाती है और अपने आसपास चूहे को मस्ती करता देख उसे बहुत क्रोध आता है और वह चूहे को अपने आगे के पंजे में जकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए चूहे से बोलता है, शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह बात सुनकर चूहे की हालत खराब हो गई, उसका हाल बुरा हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह कांपती आवाज में खड़क सिंह से बोलता है, आप इस जंगल के राजा हैं, महाराजा हैं, मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दें, मुझ जैसे छोटे से जानवर को मारकर आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा खड़क सिंह ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की ये बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर चूहे ने बोला, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए महाराज, मैं वादा करता हूं कि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में कभी ना कभी आपकी सहायता जरूर करूंगा। चूहे की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा और फिर बोला, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा? तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है
कि जितनी आज तक नहीं आई। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुमने आज मुझे हंसाया जो बहुत है, इसी का इनाम तुम्हारी जिंदगी है, जाओ। ये कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पड़ते वहां से भाग गया। इस घटना के कई दिनों के बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाई। एक दिन शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में जाल बिछा हुआ था, और बदकिस्मती से शेर उसी जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं पाया। शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा, कोई है इधर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? तभी चूहा वहीं से गुजर रहा था। वह शेर की आवाज सुनकर तुरंत शेर के पास जाता है और बोलता है, ये कैसे हो गया महाराज? आप कैसे इस जाल में फंस गए? पर आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। यह कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। फिर चूहा शेर से बोला, उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे महाराज, है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी ना किसी दिन मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अब आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि एक छोटा और कमजोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। तो इस पर शेर बोला, हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे खास दोस्त हो। आज तुमने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए हरेक प्राणी का अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है, वो काम तलवार कभी नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है, वो सुई नहीं कर सकती। तो अपना अपना दोनों का महत्व है। एक जंगल में खरनक नाम का एक शेर रहता था। एक बार बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर जाकर उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई जानवर गुफा में अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा जब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूं। थोड़ी देर में गुफा में रहने वाला ददीपुच नाम का गीदड़ वहां आ गया। उसने गुफा के बाहर शेर के पद चिन्ह देखे। पद चिन्ह भीतर तो हो गए थे, पर बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा कि अवश्य ही कोई शेर भीतर है। अपनी शंका की सत्यता जानने के लिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने बाहर से ही गुफा को पुकारा, गुफा, ओ गुफा, देखो तुम्हारा मित्र अपने वादे के अनुसार तुमसे मिलने आया है, तुम कैसी हो? तो गुफा से कोई उत्तर ना पाकर गीदड़ ने एक बार फिर गुफा को आवाज दी। शेर ने सोचा कि यह गुफा शायद आज मेरे डर से नहीं बोल रही है, मेरे चुप रहने से गीदड़ को संदेह हो जाएगा। तो शेर गरज उठा। शेर की गर्जना से गुफा गूंज उठी। गीदड़ को शेर के होने का पता चल गया और वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि संकट सामने पाकर दुखी होने की जगह अपनी बुद्धि से उसे दूर करना चाहिए। मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता था। एक दिन एक धनी व्यापारी ने
मोटा तगड़ा बकरा उसे दान में दिया। बकरे को कंधे पर रखकर ब्राह्मण घर आ रहा था। रास्ते में उसे तीन ठग मिले। बकरे को देखकर उसे पाने के लिए उन लोगों ने एक चाल चली। एक ठग ने मित्र शर्मा के पास जाकर कहा, श्रीमान, आप यह कुत्ता कंधे पर उठाकर कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण तो कुत्ते को छूते भी नहीं है। मित्र शर्मा ने चिढ़कर कहा, क्या तुम अंधे हो? बकरे को कुत्ता कहते हो? ध्यान से जाइएगा, कहकर ठग चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद दूसरे ठग ने आकर कहा, ओ श्रीमान, मरा हुआ बछड़ा कंधे पर क्यों लेकर जा रहे हो? मित्र शर्मा के नाराज होने पर ठग ने कहा, कृपया नाराज मत होइए, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। मित्र शर्मा के थोड़े और आगे जाने पर तीसरे ठग ने सामने आकर कहा, कितना पतित कार्य कर रहे हैं आप? आप एक गधे को कंधे पर उठाए हुए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अब मित्र शर्मा को लगा कि हो ना हो यह कोई दुरात्मा है जो सभी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। डर के मारे मित्र शर्मा ने बकरे को वहीं छोड़ा और अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तीनों ठगों ने तुरंत बकरे को पकड़ लिया और छक कर उसका भोजन किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक राजा एक सुंदर महल में रहता था। उसका शयनागार भी बहुत सुंदर था। राजा की शैया पर मंडविसर्प नाम का खटमल छुप कर रहता था। एक दिन खिड़की से एक कीड़े को बाहर आते हुए खटमल ने देखा और कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीतर आने की? भाग जाओ वरना रात सिपाही मार डालेंगे। अग्निमुख नामक कीड़े ने कहा, कृपया मुझे बाहर मत निकालिए, मैं आपका अतिथि हूं। मैंने राजसी खून का स्वाद नहीं लिया है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। खटमल ने पल भर सोचकर कहा, ओ कीड़े, मेरे अतिथि हो इसलिए सद्व्यवहार कर रहा हूं, तुम राजसी खून का स्वाद ले लेना, पर इस कार्य में जल्दबाजी मत करना। जब राजा गहरी नींद सो जाए तभी चखना। भूखे कीड़े ने खटमल की बात अनसुनी करके राजा के कमरे में प्रवेश करते ही उसे काटना और खून पीना शुरू कर दिया। क्रोधित राजा ने सेवकों को बुलाकर डांटा, मूर्खों, दिन भर क्या करते हो? खटमल नहीं देख सकते हो? पूरा पिस्तर छान मारो और तुरंत खटमल को मार डालो। यह सुनकर खटमल एक कोने में दुबक गया। कीड़ा उड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। काफी दूर देर तक ढूंढने के बाद सिपाहियों को छुपा हुआ खटमल मिला। सिपाहियों ने तुरंत उसे मार डाला। अनजान को अपना मित्र बनाने के कारण खटमल को जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अनजान से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। जीर्णधन नाम के बनिए को एक बार व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कमाने के लिए उसने परदेश जाने का निश्चय किया। उसके पास एक पुराना भारी लोहे का तराजू था। एक महाजन के पास जाकर उसने कहा, मेरा यह तराजू गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो। धन कमाकर वापस आने के बाद वह महाजन के पास गया और उधर का पैसा लौटाकर अपना तराजू मांगा। महाजन बहुत ही लालची था, वह तराजू वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि तराजू को चूहों ने खा लिया है।
जीन धन समझ गया कि महाजन उसे तराजू नहीं देना चाहता है। कुछ सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा लिया तो यह उनका दोष है, तुम्हारा नहीं। मैं नदी पार स्नान के लिए जा रहा हूं, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहा आएगा। महाजन ने अपने पुत्र को जीर्ण धन के साथ नदी में स्नान करने के लिए भेज दिया। नदी के पास ही एक गुफा में जीर्ण धन ने महाजन के पुत्र को बंद कर दिया। वापस जब महाजन के घर पहुंचा तो महाजन ने अपने पुत्र के विषय में पूछा कि वह कहाँ है, तो जीर्ण धन ने कहा, उसे चील उठाकर ले गई। महाजन ने कहा, क्या कहीं चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जाती है? मेरा पुत्र दो, अन्यथा मैं धर्म अधिकारी के पास तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, चलो धर्म अधिकारी के पास, जीन धन ने कहा। मैं उन्हें बताऊंगा कि चूहे अगर लोहे का तराजू खा सकते हैं तो चील बच्चे को क्यों नहीं ले जा सकती। अब महाजन को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने कहा, मित्र क्षमा करना, मैंने झूठ कहा था, मैं तराजू देता हूं, तुम मेरा पुत्र लौटा दो। जीर्ण धन ने पुत्र लौटा दिया और महाजन ने तराजू। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। कौवों का राजा मेघवर्ण एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर सैकड़ों कौवों के साथ रहता था। उलूक राज अपने पूरे वंश दल के साथ पास की पहाड़ी की गुफा में रहते थे। पुराने वैर के कारण अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक कौवे को वे मार दिया करते थे। स्थिरजीवी मेघवर्ण का सबसे पुराना मित्र मंत्री था। उल्लुओं को अपने मार्ग से हटाने के लिए उसने एक युक्ति बनाई। उसने मेघवर्ण से कहा, तुम मुझसे लड़कर मुझे लहू लुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं सपरिवार पर्वत पर चले जाओ, मैं उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर अवसर पाकर सबका नाश कर दूंगा। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। स्थिरजीवी को अपनी चोंचों के प्रहार से घायल कर वहीं फेंक दिया और स्वयं सभी कौवों के साथ पर्वत पर चला गया। यह समाचार तुरंत उलूक राज के सामने लाया गया। वह रोते तथा कांपते हुए बोला, राजन, मैं मेघवर्ण का मुख्यमंत्री स्थिरजीवी हूँ। मैंने आपकी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, मुझे पीट कर राज्य से निष्कासित कर दिया। अब मैं आपको मेघवर्ण के सारे राज बताऊंगा जिससे आप सारे कौवों का नाश कर पाए। उलूक राज का मंत्री रक्ताक्ष बीच में बात काटकर तुरंत बोला, स्वामी, इस पर विश्वास मत कीजिए, यह हमारा शत्रु है, इसे मारने में ही भलाई है। शेष मंत्री इस बात से सहमत ना हुए। एक बुजुर्ग उल्लू ने सलाह दी, मुझे लगता है ये कौवा बड़े काम का साबित होगा। इन तर्कों से सहमत होकर उलूक राज ने स्थिरजीवी को नहीं मारा। थोड़ा ठीक होने पर स्थिरजीवी ने उलूक राज से कहा, महाराज, मैं आत्मदाह करके उल्लू का जन्म लेना चाहता हूँ, जिससे मेघवर्ण से बदला ले सकूँ। आप मुझे लकड़ियाँ इकट्ठी करने की अनुमति दीजिए। रक्तांश स्थिरजीवी की सच्चाई जानता था। उसने विरोध किया पर किसी ने उसकी बात ना सुनी। वह अपने कुछ उल्लू साथियों के साथ वहां से दूसरी जगह चला गया। गुफा के मुंह पर स्थिरजीवी ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करी और फिर मेघवर्ण के पास जाकर बोला, मशान लेकर दिन में आना, गुफा के द्वार पर इकट्ठी लकड़ियों पर डाल देना। स्थिरजीवी ने जैसा कहा था कौवों ने वैसा ही किया। गुफा के दरवाजे पर लकड़ियां जल उठी और सभी उल्लू भीतर ही फंसकर भस्म हो गए।
मेघवर्ण अपने अनुयायियों के साथ वापस बरगद के पेड़ पर आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की शक्ति को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडरव नाम का सियार भूख से बेहाल भूख मिटाने के लिए नगर में आ पहुंचा। वह कुत्तों से घिर गया। वे उसे नोचने लगे। बचकर भागते भागते वह एक धोबी के मकान में घुस गया और नील की कड़ाही में छपाक से गिर पड़ा। कुत्तों के जाने के बाद वह भी बाहर निकला और जंगल में भाग गया। जब जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो भयभीत हो गए और बोले, अरे ये कौन सा जानवर हमारे बीच आ गया। तब चंडरव ने सबको बुलाकर कहा, मित्रों मुझसे डरते क्यों हो? ईश्वर ने एक नए अवतार में मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। सियार ने शेर को मंत्री, लोमड़ी को स्त्री और बाघ को नगर रक्षक बना दिया। प्रतिदिन शेर, लोमड़ी और बाघ जानवरों का शिकार करते और भोजन के रूप में उसे सियार को परोसते। वह आराम की जिंदगी जीने लगा और धीरे धीरे अपनी असलियत भूल गया। एक दिन उसकी सभा चल रही थी, तभी पास से सियारों के एक दल ने हूंकना शुरू किया। उनकी हूंक सुनकर चंडरव खुशी से पागल हो गया और वह भी चिल्लाया, हू हू। उसकी हूंक ने उसकी पोल खोल दी। शेर आदि सभी जानवर समझ गए कि यह ईश्वर का भेजा कोई नया अवतार नहीं है, सियार है। इसने सबको मूर्ख बनाया है। सियार ने पोल खुलती देख भागने की चेष्टा की, पर शेर ने झपट कर पकड़ लिया और उसे मार दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। एक गांव में एक आम के वृक्ष पर ढेर सारे बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर बड़ा ही नटखट था। उसे लोगों को उसने परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता था। लोगों की चीजों से वह खेला करता था। शेष सभी बंदर खाते और मस्त रहते थे। एक बार कम वर्षा के कारण गांव में सूखा पड़ा। गांव वालों ने मंदिर बनवाने का विचार किया और सभी निर्माण कार्य में लग गए। एक दिन दोपहर में बढ़ई लोग काम छोड़कर खाना खाने गए थे, तभी नटखट बंदर अपने मित्रों के साथ वहां आ गया। उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा जिसे गुटके के सहारे खड़ा किया हुआ था। नटखट बंदर को कुछ समझ नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है, एक गुटके के साथ इसे फंसा कर इन्होंने क्यों रखा हुआ है? अगर मैं इसे निकालूं तो क्या होगा? नटखट बंदर लट्ठे पर बैठकर उसे हिलाने लगा और गुटका निकालने की चेष्टा करने लगा। हिलते हिलते गुटका निकल आया। लट्ठा भारी था, खड़ा नहीं रह पाया, गिर गया और बंदर का पैर फंस गया। अब दर्द से बंदर करहाने लगा। उसकी शरारत का फल उसे मिल ही गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर जगह अपनी नाक नहीं डालनी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बरगद के पेड़ पर कौवा दंपत्ति प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी पेड़ की कोटर में एक नाग रहता था। कौवा जब अंडे देती तो नाग उन्हें चट कर जाता। अपनी समस्या उन्होंने अपने मित्र गीदड़ से बताई। गीदड़ ने विचार कर उन्हें एक युक्ति बताई। कहा, मित्र चिंतित मत हो, जैसा कहता हूं वैसा ही करो। महल से एक हार चुरा लाओ और कोटर में डाल दो। ध्यान रखना,
हार चुराते हुए तुम्हें राज सेवक अवश्य देखे। अब कोवी महल पर मंडराने लगी। रानी तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी। उनका हीरे का हार कपड़ों के पास रखा हुआ था। कोवी उसे चोंच में लेकर उड़ चली। रानी ने सेवकों को पुकारा, देखो देखो मेरा हार कौवा लेकर जा रहा है, जल्दी उसके पीछे दौड़ो। पहरेदारों ने देखा और अपने शस्त्रों के साथ उसके पीछे दौड़ चले। कोवी उड़ती हुई बरगद के पेड़ के पास पहुंची और कोटर में हार को गिराकर स्वयं पेड़ पर बैठ गई। सेवकों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हार निकालने के लिए वे अपना भाला बार बार कोटर में डालने लगे। नाग बेचारा भाले के वार से घायल होकर बाहर भागा तो सेवकों ने उसे मार डाला। सेवक हार लेकर चले गए और अब कौवा दंपति खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युक्ति बिगड़ी बात भी बना देती है। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। वह निर्दयता पूर्वक प्रतिदिन कई जानवरों को मारा करता था। एक दिन सभी जानवर एक साथ शेर के पास गए और बोले, महाराज आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु आ जाया करेगा, आपको शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर शेर ने कहा, प्रस्ताव तो अच्छा है, पर यदि एक दिन भी जानवर ना आया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। पशु निर्भय होकर घूमने लगे। प्रतिदिन एक पशु आ जाया करता था। एक दिन खरगोश की बारी आई। जाते हुए खरगोश ने सोचा, कोई तो युक्ति सोचनी पड़ेगी जिससे मैं भी बचूं और शेष जानवर भी बच जाएं। मार्ग में उसने एक गहरा कुआं देखा। झांका तो परछाई दिखाई दी। पहले तो वह भयभीत हुआ, फिर उसे एक युक्ति सूझी। काफी धीरे धीरे चलता हुआ वह गुफा में पहुंचा। शाम ढलने वाली थी। भूखे शेर ने छोटे से खरगोश को देखकर कहा, चल खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है, ऊपर से इतनी देर से आ रहा है, तुझे खाकर सुबह में सारे जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर कहा, स्वामी इसमें ना मेरी गलती है और ना ही किसी अन्य जानवर की। छोटे होने के कारण उन लोगों ने 5 खरगोश भेजे थे, पर उसे बड़े शेर ने 4 को खा लिया और मैं किसी तरह बचते हुए आया हूं आपको बताने। अधीर होकर भासुरक गुर्राया, क्या दूसरा शेर? खरगोश ने कहा। उस शेर ने कहा, मैं हूं जंगल का राजा, यदि किसी और में शक्ति है तो सामने आए। भासुरक ने क्रोध से उबलते हुए कहा, तो चलो मुझे उसके पास ले चलो, देखूं तो सही कौन है ये राजा। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे भासुरक दोनों कुएं के पास पहुंचे। खरगोश ने कहा, आपको देखते ही वह कपटी अपने दुर्ग में छुप गया है, आइए महाराज मैं आपको दिखाता हूं। भासुरक ने कुएं पर चढ़कर भीतर देखा तो उसे अपने पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। वह जोर से गरजता तो प्रतिध्वनि हुई। क्रोध में वह दूसरे शेर के ऊपर कूद पड़ा। इस प्रकार मूर्ख शेर का अंत हो गया और जंगल में जानवर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बड़ी बलवान होती है। समुद्र तट पर तीतर का एक जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले तीतरी ने तीतर को एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए कहा। उसे भय था
कि समुद्र उसके अंडों को बहा लेगा। तीतर ने कहा, प्रिय, हम लोग यहाँ बहुत समय से रहते हैं, तुम निर्भय होकर अंडे दो, चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। तीतरी संतुष्ट नहीं हुई, उसने तर्क दिया, चांदनी रात में जब ज्वार आता है तो सब बह जाता है। तीतर ने समझाया, यह सही है, पर समुद्र हमारी संतान को हानि नहीं पहुंचाएगा, तुम निश्चिंत होकर अंडे दे दो। समुद्र ने तीतर की बातें सुन ली और सोचा, इतना छोटा पक्षी और इतना गर्व, अभी मैं इसे अपनी शक्ति दिखाता हूं। तीतरी ने अंडे दिए। जब दोनों भोजन की खोज में गए थे तब जोर की लहरें आई और अंडे बहा ले गई। लौटने पर अंडे ना पाकर तीतरी विलाप करने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र बहुत शक्तिशाली है, देखो मेरे अंडे नहीं हैं। तीतर चिल्लाया, चिंता मत करो प्रिय, मैं समुद्र को पी जाऊंगा, उसे बता दूंगा कि कौन हूं मैं, उसे सीख देकर रहूंगा। तीतरी ने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, तुम इतने विशाल समुद्र से युद्ध नहीं कर सकते हो, चलो हम लोग राजा के पास अपनी समस्या लेकर चले। सभी पक्षी मिलकर पक्षीराज गरुड़ के पास गए। गरुड़ सभी के साथ अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथियों की मदद कीजिए, निर्दयी समुद्र ने इसके अंडे ले लिए हैं। भगवान विष्णु पक्षियों के साथ समुद्र के पास गए और समुद्र को पुकारा, ओ निर्दयी समुद्र, पक्षियों को उनके अंडे वापस दे दो, अन्यथा मैं अग्नि अस्त्र से तुम्हें सोख डालूंगा। साक्षात भगवान विष्णु को आया देखकर समुद्र ने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे सुखाई नहीं, मैं अंडे वापस कर दूंगा। और उसने तीतरी के अंडे वापस कर दिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शत्रु की शक्ति को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। एक जंगल में एक वृक्ष की शाखा पर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। चिड़ी ने शाखा पर बने घोंसले में अंडे दिए थे। एक दिन एक मतवाला हाथी उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। जाने से पहले पत्तियां खाने के लिए उसने अपनी सूंड से वह शाखा तोड़ दी जिस पर घोंसला था। अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए। चिड़िया टूटे अंडे देखकर बहुत दुखी हुई। उनका विलाप देखकर उनका मित्र कठफोड़वा वहां आकर उन्हें समझाने लगा। चिड़िया ने कहा, यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो हाथी को सबक सिखाने में हमारी सहायता कर। कठफोड़वे ने कहा, यह इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चालाक बक्खी मेरी मित्र है, चलो उसी के पास चलते हैं। उन्होंने मक्खी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी। मक्खी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया और अपने मित्र मेंढक के पास ले गई, उसे भी पूरी कहानी सुनाई गई। सारी बात सुनकर मेंढक ने युक्ति बताई। उसने कहा, जैसा बताता हूं वैसा ही करो। पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा सदृश मीठे स्वर में आलाप करे। हाथी मस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय कठफोड़वा चोंच मारकर आंखें फोड़ देगा। अंधा हाथी पानी की खोज में भागेगा और मैं दलदल में बैठकर आवाज करूंगा। मेरी आवाज सुनकर हाथी पानी पीने आएगा और दलदल में फंस जाएगा, यही उसकी हार होगी। सभी इस युक्ति पर सहमत हो गए। मक्खी ने आलाप किया
कठफोड़वे ने आंखें फोड़ी, मेंढक ने पानी की ओर बुलाया और हाथी आखिर में दलदल में फंसकर और फंसता चला गया। ऐसे चिड़िया का बदला पूरा हो गया था। उन्होंने अपने मित्रों को धन्यवाद किया और नया घोंसला बनाने में जुट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साथ में बहुत शक्ति होती है, बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। एक बार की बात है, एक राजा अपने पालतू बंदर सेवक के साथ रहता था। वह राजा का विश्वास पात्र और भक्त था। राजमहल में कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता था। मंत्रियों को यह अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने राजा से जाकर कहा, बंदर को इतनी छूट देकर आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। एक बंदर कभी भी चतुर और स्वामी भक्त सेवक नहीं बन सकता है, कहीं आपके लिए खतरा ना बन जाए। मंत्रियों की सलाह राजा को पसंद नहीं आई, बल्कि वह उन पर नाराज हो गया। कुछ दिनों के बाद भोजन के बाद राजा अंतपुर में विश्राम करने गया। पीछे पीछे बंदर भी गया। बिस्तर पर लेटकर राजा ने बंदर सेवक से कहा कि वह सोने जा रहा है, कोई उसे सोते समय परेशान ना करे। राजा सो गया और बंदर पंखा झलने लगा। अचानक एक मक्खी आ गई और इधर उधर उड़ने लगी। पंखे से बंदर उसे बार बार हटाता, पर वह बार बार आकर राजा की छाती पर बैठ जाती। काफी देर बाद बंदर को क्रोध आ गया और उसने मक्खी को मजा चखाने की सोची। फिर से जब मक्खी राजा के ऊपर बैठी तो उसने कटार हाथ में ले लिया और खींच कर निशाना साध कर मक्खी को मारा। मक्खी तो झट से उड़ गई, पर कटार सीधे राजा के सीने में धंस गई। बंदर के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से राजा की मृत्यु हो गई और बंदर आश्चर्यचकित सा सब समझने की चेष्टा करता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख सेवकों से बिना सेवक के रहना ही भला है। एक बार ढेर सारे वृक्षों से घिरा हुआ एक तालाब था। उसमें आराम से एक हंस रहता था। एक दिन एक उल्लू उस तालाब के पास आया और प्रसन्न होकर बोला, आहा, कितनी सुंदर जगह है, मैंने इतनी सुंदर जगह कभी नहीं देखी। वहां रहने वाले हंस ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? हंस से मित्रता करने की इच्छा से वह बोला, क्या तुम वही हंस हो जो यहां बहुत दिनों से रहता है? मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। मीठी बातें सुनकर हंस ने प्रसन्न होता हुआ बोला, मित्र तुम हमारे अतिथि हो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। एक दिन उल्लू ने कहा, मित्र तुमसे आतिथ्य कराते बहुत दिन हो गए, मुझे अब जाना चाहिए, कृपया मुझे अनुमति दो। हंस ने उसे धन्यवाद दिया और उल्लू चला गया। कुछ दिनों के बाद हंस उल्लू से मिलने गया। जिस पेड़ पर उल्लू रहता था उसके नीचे से हंस ने आवाज दी। हंस को देखकर उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, इतने दिनों के बाद मिले हो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहीं रुको कुछ दिन। तो हंस वहीं रहने लगा। एक दिन कुछ यात्री पेड़ के पास ही ठहरे हुए थे। जो ही वे जाने लगे उल्लू ने बोलना शुरू कर दिया। यात्रियों ने इसे अपशकुन माना। एक ने कहा, तुरंत उस उल्लू को मार डालो, इसका बोलना हमारे लिए अशुभ है।
दूसरे यात्री ने निशाना साधकर उल्लू पर तीर छोड़ दिया, पर दुर्भाग्यवंश निशाना चूक गया और हंस को लग गया। बेचारा निरीह हंस जान से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत लोगों से मित्रता करना भयंकर मूर्खता होती है। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे सारस रहते थे। पेड़ की कोटर में एक नाग भी रहता था। प्रतिदिन वह सारस के बच्चों को उनके पंख उगने से पहले ही खा लिया करता था। एक दिन एक माँ सारस ने नाग को बच्चों को खाते देख लिया। दुखी होकर वह रोने लगी। एक केकड़े ने उसे रोते देखकर पूछा, बहन क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, यदि बताओगी तो संभवतः कुछ मदद कर पाऊं। मां सारस ने केकड़े से कहा, मित्र इस पेड़ के कोटर में रहने वाले नाग ने मेरे बच्चों को खा लिया है। मैं नाग से अपने बच्चों को किस प्रकार बचाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर केकड़े ने सोचा, ये सारस तो हमारा शत्रु है, मैं इनकी सहायता क्यों करूं, इनसे बदला लेने का यह सुअवसर है। उसने सारस से कहा, मित्र मेरे पास एक युक्ति है। पास ही में एक नेवला रहता है। मछली के टुकड़े नाग के कोटर से लेकर नेवले के बिल तक डाल दो। नेवला मछली के पीछे पीछे पेड़ से कोटर तक आएगा और नाग को देखकर मार डालेगा। सारस ने केकड़े की सलाह मान ली। युक्ति के अनुसार नेवला मछली उठाते उठाते कोटर तक आया और भीतर जाकर सांप को मार डाला। धीरे धीरे एक एक कर पेड़ पर रहने वाले सभी सारसों को भी मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या का समाधान मित्र द्वारा होता है, शत्रु के द्वारा नहीं। अर्थात अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो हमें किसी मित्र के पास जाना चाहिए, किसी दुश्मन के पास नहीं। एक जंगल में पक्षियों के राजा गरुड़ रहते थे। एक दिन पक्षियों ने सभा बुलाई, अपने नेता के बारे में चर्चा करने लगे। एक तोता बोला, गरुड़ को अपना राजा बनाने का क्या लाभ, वह तो सदा वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, मुश्किल में हमारी मदद भी नहीं कर पाएगा। उसकी बात से सभी पक्षी सहमत हो गए और उन्होंने नया राजा चुनने का विचार किया। सर्वसम्मति से उल्लू को राजा चुना गया। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। ज्यों ही उल्लू राज सिंहासन पर बैठने वाले थे, त्यों ही कहीं से एक कौआ आकर बोला, तुम सब यहां क्यों इकट्ठे हो, ये कैसा समारोह है। कौए को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। पर कौआ सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, ऐसा उन्हें पता था। इसीलिए सभी कौए के चारों ओर इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे। उलूक राज के राजभिषेक की बात सुनकर कौए ने हंसते हुए कहा, मूर्ख पक्षियों, इतने सारे सुंदर पक्षियों के होते हुए दीवांद और टेढ़ी नाक वाले बदसूरत उल्लू को तुम सब ने राजा बनाने का कैसे विचार किया। वह तो स्वभाव से ही रोद्र और कटुभाषी है। एक राजा के होते हुए दूसरे को राजा बनाना विनाश को निमंत्रण देना है। किसी दूसरे दिन किसी दूसरे पक्षी को अपनी नेता के रूप में चुना जाएगा। ऐसा निर्णय कर सभी पक्षी अपने घर चले गए। दिन का समय था, उल्लू अकेला रह गया क्योंकि दिन में उसे कोई दिखता ही नहीं था।
दिन में उसे दिखाई नहीं देने के कारण वह उल्लू बिल्कुल अकेला हो गया। एक दूसरे उल्लू ने धीरे से उल्लू के कान में फुसफुसाकर कहा, महाराज कोई ने आपके राज्याभिषेक में खलल डाली है, इसीलिए सभी पक्षी घर चले गए हैं। चिड़े हुए उल्लू ने कोए से कहा, क्यों रे दुष्ट, तुम्हारे कारण मैं राजा ना बन सका। आज से तेरा मेरा वंश परंपरागत वैर बना रहेगा। इस कारण कोए और उल्लू में हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। उल्लू और सभी पक्षियों के जाने के पश्चात कोए ने मन में विचारा कि व्यर्थ में उल्लू को अपना बैरी बना लिया। यही सोचता हुआ कौआ भी अपने घर चला गया। पर तभी से कौओं और उल्लुओं में स्वाभाविक बैर यानी दुश्मनी चली आ रही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बोलने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। दान में मिले कपड़ों को बेचकर उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने धन की सुरक्षा के लिए उन्हें एक पोटली में बांधकर उसे सदा अपने साथ रखता था। किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता था। अष्टभूति नामक चोर ने सदा उसे एक पोटली लिए देखकर सोचा कि यह अवश्य ही बहुमूल्य है, इसे चुराना चाहिए। पहले मैं इसका विश्वास जीतता हूं, फिर इसे ठगूंगा। एक दिन वह देव शर्मा के पास गया और बोला, संत आपका अभिवादन है, मैं अनाथ हूं, मुझे शिष्य स्वीकार करें। आज जन्म मैं आपकी सेवा करूंगा। देव शर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूं, पर एक शर्त है, मेरी पोटली को हाथ भी नहीं लगाओगे। अष्टभूति देव शर्मा के साथ स्वामी भक्त शिष्य की भांति रहने लगा। एक दिन किसी पुराने शिष्य का निमंत्रण स्वीकार कर दोनों उसके घर पहुंचे। वहां कमरे में स्वर्ण मोहर पड़ी हुई थी। अष्टभूति ने मालिक का विश्वास जीतने के लिए कहा, श्रीमान क्षमा करें, यह मोहर तो हमारी नहीं है, हमें इसे दे देना चाहिए। अष्टभूति की ईमानदारी से देव शर्मा अभिभूत होकर मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, अब मुझे कोई डर नहीं, यह मेरा धन नहीं चुराएगा। वापस लौटते समय एक नदी पड़ी। देव शर्मा ने नहाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, पुत्र मैं नहाना चाहता हूं, तुम मेरी गठरी और मेरी पोटली का ख्याल रखो। यह कहकर देव शर्मा नहाने चला गया। अष्टभूति ने धन की पोटली उठाई और चंपत हो गया। नदी के दूसरे किनारों पर बकरियां आपस में लड़ रही थी। देव शर्मा उसी दृश्य को देख रहा था। नहाकर जब किनारे आया तो अपनी पोटली और अष्टभूति को वहां ना पाकर उसने पहले पुकारा, फिर समझ गया कि वह तो ठगा गया है। एक अनजान पर विश्वास करने के कारण उसे धोखा मिला था, उसकी सारी संपत्ति जा चुकी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शीघ्र ही किसी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन एक तालाब के किनारे मंथरक यानी कछुआ, लघुपत नाग, कौवा और हिरण यानी चूहा बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिकारी से बचता बचाता चित्रांग यानी हिरण वहां आया और उनका मित्र बनकर उनके साथ रहने लगा। एक दिन हिरण अपना खाना ढूंढकर शाम को जब वापस नहीं आया तो सभी मित्र चिंतित हो गए। सबकी सलाह से कोए ने आसमान में उड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। हिरण ने कोए को देखा तो चिल्लाकर बोला, शिकारी के आने से पहले कृपया जाल से मुझे निकालो। कौआ दोस्तों के पास पहुंचा, सारी बात उन्हें बताई और चूहे को हिरण के पास ले गया।
अपनी पैनी दांतों से चूहे ने जाल काट दिया। इसी बीच रेंगता रेंगता कछुआ भी वहां पहुंच गया था। तभी शिकारी आया और जाल कटा तथा हिरन को गायब देखा। शिकारी को देखते ही सभी जान बचाकर भागे। कौवा उड़ गया, चूहा पत्थरों के पीछे छुप गया और हिरन ने जंगलों की तरफ छलांग लगाई, पर बेचारा कछुआ पकड़ा गया। अब कछुए को थैले में बंद कर शिकारी चल पड़ा। अब कछुए को बचाने की सलाह की गई कि कछुए को कैसे बचाया जाए। कौवे ने उपाय बताया, हिरन भाई तुम तालाब के पास मृत प्राय लेट जाओ, मैं तुम्हारी आंख निकालने का नाटक करूंगा। शिकारी तुम्हें मृत समझकर थैला छोड़कर पकड़ने आएगा, तुम चौकड़ी भरकर भाग लेना, तभी चूहा थैली कुतरकर कछुए को बचा लेगा। कौवे के बताए उपाय के अनुसार हिरन मरने का नाटक करने के लिए लेट गया। शिकारी ने उसे मृत समझकर थैला रखा और हिरन को लेने दौड़ा। शिकारी को पास आता देखकर हिरन उठा और बिजली की गति से जंगलों में भाग गया। निराश शिकारी वापस अपने थैले के पास आया। थैले को भी कुतरा हुआ देखकर और कछुए को गायब देखकर उसके दुख की सीमा ना रही। इधर चारों मित्र हिरण्यक, मंत्रक, लघुपतनक और चित्रांग फिर से साथ होकर बहुत प्रसन्न थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संघ यानी साथ में बहुत शक्ति होती है। एक गांव में द्रोण नाम का ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। अच्छे भरण पोषण से दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। उन्हें देखकर कुरकर्म नाम के चोर के मन में लालच आ गया। ब्राह्मण के घर जाते समय रास्ते में उसे लंबे दांत, लाल आंखों, तेज नाखून और उभरी हुई नाक वाला एक भयंकर आदमी मिला। भयभीत चोर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूं और ब्राह्मण के घर बछड़े चुराने जा रहा हूं। राक्षस ने कहा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, चलो आज उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। रात में दोनों ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण के सो जाने पर राक्षस उसे खाने के लिए जब आगे बढ़ने लगा तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, यह सही नहीं है, पहले मैं बैलों की जोड़ी चुरा लूं, फिर तुम अपना काम करना। राक्षस ने कहा, बैलों को चुराते समय यदि खटका हुआ तो ब्राह्मण जाग जाएगा, फिर मैं खा नहीं पाऊंगा। पर चोर अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों के बहस से ब्राह्मण जाग गया। उसने ध्यान से दोनों की बातें सुनी और सारी बात समझ गया। पूरी तरह से सावधान होकर उसने अपने प्रभु को याद किया और लाठी उठाकर दोनों को वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपस में लड़ने से तीसरा लाभ ले लेता है। एक वन में चतुर्दंत नाम का हाथी था। वह अपने दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां के सारे झील, ताल, तलैया सूख गए। सभी हाथी मिलकर चतुर्दंत के पास आकर बोले, अब हम सब मरने के कगार पर हैं, हमें पानी से भरा कोई तालाब ढूंढना चाहिए। चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब का पता है जहां सदा पानी रहता है, चलो वहीं चलें। 5 दिन की लंबी यात्रा के बाद हाथी दल आखिर वहां पहुंचा।
तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से सब बिल टूट गए। बहुत से खरगोश कुचल गए। किसी की गर्दन टूटी तो किसी का पैर, और बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस जाने के बाद खरगोशों ने मिलकर बैठक की। बहुत विचार के बाद उन्होंने विजयदत्त नामक खरगोश को अपना दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजा। उसने कहा, महाराज, चंद्रमा ने मुझे आपके पास भेजा है। कल आपने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। वे खरगोशों के रक्षक हैं और उनकी विनती सुनकर आए हैं। आप तालाब में ना आया करें। चतुर्दंत ने कहा, ऐसा है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं भी उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। चतुर्दंत को विजयदत्त तालाब के किनारे ले आया और तालाब में पड़ रही चांद की छाया दिखलाई। चतुर्दंत ने चांद को प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। अब खरगोश खुशी खुशी आराम से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सदा बुद्धिमान को ही नेता चुनना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानियाँ? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सारी कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार कहानियाँ लेकर। तब तक बाय बाय।